अभी मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, देखो ये वक्त आप जिनका इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर है। लेकिन भाई आपके पास ही माइक दे देता हूँ, आप ही शुरुआत करें। क्या बोलना है भाई? कुछ नहीं, आपको आशीर्वाद देना है, आखिरी दिन है आपका इंतजार करते, आखिरी दिन है आज। आपको कुछ कुछ हम आपको काम देंगे, आप नित्य हमारे साथ में रहे हो, आज आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे। हमारे यहाँ पर ये खिड़की का एक कर्टन है जो हम हटाएंगे, इस खिड़कियों को आपको बंद करना है क्योंकि आज लास्ट डे है। और हमारे पास कुछ और भी चीजें हैं, आपको पूरा का पूरा ये खिड़कियों को कुंडी लगानी है, गुब्बारे छोड़ने हैं आसमान में। इस फेस्टिवल का आज आखिरी दिन है, मैं चाह रहा था कि अच्छा थिएटर फेस्टिवल आपके यहाँ तो ही अच्छा समाप्त हो, तो आप हमेशा साथ दिए इतने साल से, मैं हमेशा थैंक यू सो मच। मैं इतना बोलूँगा कि आप सब इतना प्रेम कर रहे हैं, मुझे आपके जोश से पता चल रहा है कि बतौर अभिनेता मुझे पसंद करते हैं, तो मेरे एक्टर बनने में थिएटर का बहुत बड़ा योगदान है। मैं रंगमंच करता था पटना में, और न जाने ऐसे कितने सारी फेस्टिवल में, खिड़कियाँ, भारत रंग महोत्सव, पटना में बावस नाट्य महोत्सव, प्रांगण का एक फेस्टिवल होता है, तो दिल्ली, जबलपुर, जयपुर, राजस्थान, उदयपुर, तो जो भी अभिनय करता हूँ उसमें बहुत बड़ी भूमिका और बहुत बड़ा योगदान रंगमंच का है, थिएटर का है। आई एम श्योर यहाँ दर्शक जितने हैं उतने ही एक्ट्रेस भी हैं, कहीं कहीं हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों से थिएटर करके आप लोग आए हो, मुंबई में सिनेमा में काम पाना चाहते हो। एक बात ज़रूर कहूँगा कि थिएटर जो है वो बतौर अभिनेता हमारे क्राफ्ट को, हमारे स्किल को बहुत बढ़िया बनाती है, उसके सिवाय दूसरा कोई मार्ग नहीं है। ना मेरे पास सिक्स पैक है, ना मुझे डांस करना आता है, बावजूद अगर आपके मेरी परफॉर्मेंस आपके हृदय तक पहुंचती है तो उसमें थिएटर और सिर्फ थिएटर का ही योगदान है, और किताबों का, पढ़ाई का, और लाइफ का ऑफ कोर्स जो जीवन में जिया हूं। ओके, उससे पहले मैं चाहता हूं कि मेरे पिताजी स्टेज पे आ जाएं, बिकॉज़ यही है जिनके वजह से मैं ये कर पाया, जिन्होंने मुझे पैदा किया, नहीं तो मैं यहाँ पे होता नहीं ना भाई। बाबू तो ये है असली छाबड़ा, मैं डुप्लीकेट हूँ। तो पंकज भैया वक्त ना वेस्ट करते हुए, क्योंकि आपका भी कीमती वक्त है, पहले तो आप खिड़कियों को बंद कीजिए, बाकी सब लोग रेडी हो जाइए। रेडी बिफोर प्रोसीडिंग, दिस इज द ऑफिशियल क्लोजिंग सेरेमनी फॉर खिड़किया थिएटर फेस्टिवल 2023, जो बहुत ही प्यार के साथ आप लोगों के लिए ऑर्गेनाइज कराया गया था, प्रेजेंटेड बाय मुकेश छाबड़ा कास्टिंग कंपनी, प्रोड्यूस्ड बाय तारा चंद छाबड़ा जी, विद द ब्लेसिंग्स ऑफ श्रीमती लेन कमला मैम। बट आर वी ऑल रेडी टू ऑफिशियली क्लोज खिड़किया थिएटर फेस्टिवल
कुमार सर हैं जो डायरेक्टर को चांस देते हैं पैसा लगा के इन फिल्मों में। थैंक यू सो मच भूषण भैया। अरे हाँ, अगर ये खिड़किया फेस्टिवल में कर पाया, आप लोगों को मौका दे पाया फ्री में, इसका सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी भूषण भैया को जाता है, टीसीज को जाता है, जिन्होंने मुझे हमेशा प्यार दिया है। तो थैंक यू सो मच भूषण भैया, थैंक यू सो मच, थैंक यू शिव भाई। तो ये अभी लास्ट है खिड़किया अभी। हाँ, एक गुब्बारा तो भूषण भाई आप भी छोड़ देते, मजा आ जाए, आ जाइए, कुछ नहीं होता। साजिद भाई थैंक यू सो मच। देखो साजिद भाई, लेडीज एंड जेंटलमैन, द मैन ऑफ द आवर, हिंदी फिल्म प्रोड्यूसर, राइटर, डायरेक्टर एंड द ओनर ऑफ नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट, मेक सम नॉइस फॉर साजिद नाडियाडवाला। सब जितने भी कलाकार हैं जो बाहर से आते हैं, जिनके पीछे पूरी इंडस्ट्री का हाथ है, आधे यहाँ बैठे हैं, आधे यहाँ पर हैं, और कलाकार हम जैसे लोग हैं। थैंक यू सो मच साजिद भाई, थैंक यू सो मच। तो खिड़किया क्लोजिंग सेरेमनी का यहीं पर समापन होता है, उसके बाद हमारा 8 बजे प्ले होना चाहता हूँ, सब लोग प्ले देखें। प्ले का नाम है रंगभूमि, जो कि सुरेंद्र शर्मा ने डायरेक्ट की है, वो राजेंद्र नटवर्दले के काफ़ी सीनियर हैं, बहुत पॉपुलर प्ले है, प्रेमचंद जी का उपन्यास है रंगभूमि। तो अभी 8 बजे हम नाटक शुरू करेंगे, उससे पहले फाइनल वर्ड साजिद भाई आप कुछ बोलना चाहेंगे पंकज भाई, ताकि हम लोग इसको करें। पंकज भाई तो बोले, मैं रंगमंच के बारे में, फेस्टिवल के बारे में बोल दिया, इनके बारे में बोलता हूँ। साजिद भाई बहुत प्यारे व्यक्ति हैं, हमें शूटिंग में इतना खिलाते थे ना बैठ तो थैंक यू साजिद भाई, इतना सुंदर प्रोड्यूसर बनने होने के लिए, इतनी अच्छी फिल्में बनाने के लिए और यहाँ आने के लिए। थैंक यू पंकज जी, वंस अगेन वी हैव साजिद नाडियाडवाला इन द हाउस, कैन वी मेक सम नॉइस। थैंक यू वेरी मच मुकेश जी, आपने मुझे जी बोला, बड़ा सदलिए थे, अभी सारे स्टूडेंट्स के सामने बोलना पड़ता है। तो जब मुकेश जी आए थे शहर में, उससे पहले कास्टिंग सिर्फ हम लोग करते थे, तो हम लोगों को लगा कौन है मुकेश जी, ये क्या कर रहे हैं, इनका क्या काम है यहाँ पे। और आज पिछले 4 साल से हमारे को अगर नॉर्मल एक्टर भी लेना है तो मुकेश के बिना काम चलता नहीं है। सो ही सच अ बिग एसेट टू आवर इंडस्ट्री, वी आर वेरी प्राउड ऑफ हिम, एंड आई हैड प्रेडिक्टेड 4 years बैक दैट ही विल गो अ लॉन्ग वे, एंड दिस इज जस्ट द बिगनिंग। थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। Now let's proceed to the final closing ceremony. Thank you so much everybody for being here. Once again a big round of applause for Pankaj Tripathi, Sajid Nadiyadwala and a very own Bhushan Kumar in the house. We'll be right back.
request you to please come on stage and say a few words for Khirkia Theatre Festival 2023.